वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, अज आप गल कर जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बारे। हिंदू राष्ट्र ना दी घोषणा वीरो हो चुकी आ, हिंदू राष्ट्र बन चुकिया। तो जिहड़े जिहड़े वीर हिंदू राष्ट्र की हमायत करते सीगे, साडे भारत देश दे वासी, जिहड़े जिहड़े हिंदू दा राष्ट्र की चाहत रखते सी, ये खबर खास करके उन्हां लई आ। उन्हां नूं पहलां तां साडे वल्लों बहुत बहुत वधाइयां हिंदू राष्ट्र बन दियां। हुण तुसीं वीर ये सोचते होंगे कि हिंदू राष्ट्र कित्थे बन गया ते कदों बन गया, पता लगे ही नहीं। हिंदू राष्ट्र वीरो चन्न ते बन गया। भारत सरकार वल्लों जो कि चंद्रयान 3 जो छड्या गया गा, वो जिथे जाके लैंड किया चन्न ते, उस थां दा नां भारत सरकार वल्लों शिव शक्ति पॉइंट रख्या गया। तो जदों देश की सरकारां दी इह मंशा हो जाए, वो एक किसे धर्म दे विच फस के रह जाण, तां उदों की हुंदा, जिहड़े उस देश की जनता, उन्हां दा भी दिमाग उस हिसाब दे नाल ही सोचण लग जाता। हुण आ वीर दा तुहानूं एक बयान सुणाउणा, इन्हें बेनती की है देश के प्रधानमंत्री नूं कि जी लगदे हाथी चन्न नूं आ जिहड़ा तुसीं वो हिंदू राष्ट्र जिहड़ा घोषित कर दो, तां कि उत्थे जिहड़े जिहादी आ वो ये तो पहला पहुँचन, तो जां कोई होर धर्मां दे पहुँचन, ये तो पहला पहला तुसीं चन्न नूं आ जो वो तुसीं हिंदू राष्ट्र छेती तो छेती घोषित करो। तो मैं हिंदू राष्ट्र दी जिहड़ी चाहत रखते आ वो वीरां नूं छेती चौथी छेती बेनती करदा कि ये तो पहला उत्थे प्लांट प्लूट कट्टे जाण, तो सानूं थां ना बचे। ये साडे पंजाब दे विच वी कुछ बैठे आ हरजे, तो वो भाई आपदियां टिकटां लै लैण, तो उत्थे प्लांट प्लूट खरीद लैण, क्योंकि भारत दे विच तां मानना नहीं, तो उत्थे जिहड़ी ये तुहाडी चाहत आ जिहड़ी ये छेती पूरी होण जा रही आ, तो सानूं हिंदू राष्ट्र चंद ते बण दियां बहुत बहुत मुबारकां। तो बाकी तुसीं इस वीर की जवानी भी सुन लो। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बना, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहां पे जिहाद करे, वहां पे जा करके वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथियों को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है, अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।